शादी से लौट रहे थे ये लोग और वैन में भरे हुए थे करीब 15 से 16 लोग, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे और इनको अभी बचाने की कोशिश की जा रही है। 6 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। जय शुक्ला, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंदिरा नहर पर ही वो मौजूद है। जय, किस तरह के हालात है वहां पर, कितने लोगों को बचाया जा चुका है, स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, बताते हैं आपको जिस तरह से हादसा हुआ। पहले आपको हम अपडेट दे देते हैं कि ये लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र का मामला है। ये पटवाखेड़ा गांव में शादी समारोह से ये पिकअप वैन लौट रही थी। पिकअप वैन में लगभग 29 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 22 लोग सुरक्षित निकल आए हैं। 7 बच्चे हैं जो अभी तक लापता हैं, जिसमें से 5 लड़के हैं और 2 लड़कियां शामिल हैं। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। लगभग 6 घंटे से ऊपर हो चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दोनों टीमें लगी हुई है लगातार। हमारे सामने आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, दोनों टीमें लगी हुई है, खोजबीन चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ अधिकारी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरा रेस्क्यू चल रहा है और लगभग कब तक ये पूरा हो पाएगा। हमारे साथ में यहाँ पर जो आईजी साहब हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का पूरा ये हादसा था और किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है? देखिए, 2:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि जो है एक शादी समारोह से एक पिकअप वैन लौट रही थी, जिसमें लगभग 29 लोग ड्राइवर को लेके थे। उसमें से वो अनियंत्रित होके जो है नहर में गिर गई है और तत्काल मौके के लोकल पुलिस और लोकल गांव वाले सब मिलके जो है 22 लोगों को वी हैव बीन एबल टू रिकवर और 7 बच्चे, जिसमें 2-5 लड़कियां और 5 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं, वो अभी अकाउंट फॉर नहीं हो पाए हैं। सारी जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल गोताखोर, जाल, नाविक्स, ये सब जितने लोग हैं सबको लगा के जो है 7 बच्चों को ढूंढवाया जा रहा है और पड़ोसी जनपदों को भी जो है अलर्ट किया गया है, क्योंकि बहाव बहुत तेज है और बच्चे लाइट वेटेड हो सकते हैं, तो हो सकता है कि पानी के बहाव में आगे निकल गए हों। तो पड़ोसी जनपदों में जहाँ जहाँ टर्न्स हैं, प्रयास किया जा रहा है कि जो है जाल लगा के और गोताखोर लगा के वहाँ भी दिखवा लिया जाए, कहीं बच्चे ना हो। सर, क्या लगता है अभी रेस्क्यू में कितना और समय लग सकता है? देखिए, अभी तो कहना बहुत मुश्किल है जब तक, और ये प्रयास ये है कि इसके पानी का जो बहाव है इस नहर में उसको डाइवर्ट करके थोड़ा पानी का फ्लो कम किया जाए और डेप्थ कम किया जाए, ताकि जो है हम लोग रेस्क्यू करा सके। जैसे रेस्क्यू होता है आपको अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासनिक टीम भी पहुंची हुई है। हमारे साथ में उप जिला अधिकारी मोहनलाल गंज है, उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह की पूरी घटना थी, क्या किसी मुआवजे की बात की जा रही है? सर, एक शादी समारोह में कुछ लोग आए थे यहाँ पे पटवाखेड़ा गांव में, तो पिकअप बस थी, वो अनियंत्रित होकर के यहाँ पे हादसा हो गया 2:30 बजे के लगभग। यहाँ पे बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, साथ ही लोकल गोताखोर भी लगाए गए हैं और बचाव कार्य जारी है। कुल 29 लोग सवार थे, जिसमें ड्राइवर सहित 22 लोगों को बचा लिया गया है। शेष 7 बच्चे जो कि 5 साल से लेकर के 11 साल के बीच में है, उनकी खोज जारी है, जिसमें से 5 पुरुष बच्चे हैं और 2 बच्चियां हैं। सर, प्रशासन की तरफ से क्या किसी मुआवजे उदय की बात की जा रही है? अभी तो जो भी दुर्घटना में शासन द्वारा दे सहायता राशि उसको प्रदान किया जाएगा, साथ ही अभी हम लोग बचाव कार्य में कंसंट्रेट किए हैं कि बचाव कार्य करके जो भी लापता बच्चे हैं उनको जल्दी जल्दी यहाँ पे रिकवर करके उनको निकाला जा सके। जी बिल्कुल, यहाँ देखा आपने कि किस तरह से शासन और प्रशासन लगातार मुस्तैद है, पुलिस भी मुस्तैद है, एनडीआरएफ भी मुस्तैद है और एसडीआरएफ की भी टीमें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं अभी भी राहत बचाव का कार्य चल रहा है, लगातार दोनों टीमें सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं। 7 बच्चे मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनका अभी तक अता पता कुछ नहीं चला है। हालांकि अभी ये बताना मुश्किल होगा कि ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी बचाव कार्य चल रहा है। जी बिल्कुल, जय, हमारे साथ रहिए। अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि 29 लोग इस पिकअप वैन में सवार थे, 22 लोगों को बचा लिया गया है, 7 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें कि 5 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं और इन्हें ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। जय, एक बार ये बताइए कि क्या ओवरलोडेड थी ये वैन और किस तरह से ये दुर्घटना हुई, अनियंत्रित क्यों हो गया ड्राइवर, क्या झपकी आ गई थी या कोई टेक्निकल फॉल्ट थी, क्या ड्राइवर बच पाया है? आ
जी बिल्कुल बताएं आपको कि ये शादी समारोह से लौट रहे थे और 29 लोग जो भार वाहन होता है, कहीं ना कहीं ये चूक जरूर हुई है कि भार वाहन से इतने लोगों को ले जाया जा रहा था। ये बताया जा रहा कि वो अचानक से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और जो पूरी पूरी पिकअप वैन थी वो इंदिरा नहर में जाकर गिर गई। जो बड़े थे वो किसी तरह से निकल आए और आसपास के ग्रामीणों को जब जानकारी हुई तो उन्होंने भी काफी इसमें मुस्तैदी दिखाई और जो बच्चे थे और बड़े थे उनको निकालने की कोशिश की, जिससे कहीं ना कहीं 22 लोगों को बचाया जा सका है, लेकिन अभी भी 7 लोग, 7 बच्चे अभी भी मिसिंग है। जी चलिए शुक्रिया जय, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और जैसा कि अभी हमने सुना एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि आसपास के जिलों में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है और लोगों को बचाया जा रहा है। आगे